भाई राहिल हार्टी कंग्रेचुलेशन। थैंक यू यार, तुमने फिल्म भी कमाल की बनाई और ये मकान भी बड़ा खूबसूरत था। इट्स रियली अ ड्रीम इन स्टोन। वाकई ये मेरा ख्वाब था और खुदा का शुक्र है कि उसने मुझे उसकी ताबीर भी दे दी है। लेकिन सच्ची बात ये है कि क्रेडिट गोज़ टू ज़फर। भाई मेरी क्या बुराई हो रही है? आपकी कौन बुराई कर सकता है जनाब? इस मकान के बनाने में तो जो कमाल आपने दिखाया है उसका तो जवाब ही नहीं है। नो डाउट, थैंक यू वेरी मच। लेकिन सीधी सी बात यह है कि और मकानों में और इस मकान में सिर्फ एक फर्क है, वो ये कि ये मैंने अपनी खुशी के लिए अपने भाई के वास्ते बनाया है। अकबर साहब, ऐसे दोस्त बहुत कम होते हैं। वाकई? अच्छा भाई, हम चल दिया, खुदा हाफिज़। अच्छा, खुदा हाफिज़। बहुत बहुत मुबारक। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया भाभी। फिर आइए कल, ये अब तो घर देख लिया, अब तो बार बार आएंगे। खुदा खुदा अच्छा, खुदा खुदा शुक्रिया, शुक्रिया बहुत बहुत। ओके सुपरस्टार, अब हम चलते हैं। क्यों क्यों इतनी जल्दी क्यों? नहीं, देर बहुत हो गई है, फिर बेगम की तबीयत ठीक नहीं है और फिर सुबह दफ्तर भी जाना है। तुम्हारी तरह वीआईपी तो हूं नहीं। अरे कहां यार, हम तो दिन रात खच्चरों की तरह काम करते हैं। कल आऊंगा, जहरा बेटे ने बुलाया है, तस्वीर बना रही है हमारी। ये मुसव्विरी के तजुर्बे हो रहे हैं भाई। अजीब अजीब सब्जेक्ट लेती है हमारी बेटी भी। चलो भाई चलो, ऐसा ही होता है। अच्छा भाभी, खुदा हाफिज़। अच्छा भैया, भाभी को हमारी तरफ जरूर लेकर आइए, आपका पैगाम दे दूंगा। अच्छा तो अच्छा, खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। आप यहाँ क्यों बैठे हैं? बहुत ठंड है बाहर। तुम भी बैठ जाओ। क्या सोचने लगे? जो ख्वाब बंद आंखों से देखा करता था, इस वक्त जागती आंखों से उसे देख रहा था, इसलिए ठंड नहीं लग रही थी। ओह, बाय द वे, खुशी में सर्दी नहीं लगती क्या? नहीं, खुशी में सिर्फ खुशी लगती है। शुक्र है सारे काम ठीक ठाक हो गए, बहुत अच्छी पार्टी रही, सब लोग भी आ गए थे ना। तुम खुश हो? बहुत खुश। अच्छा ये तो बताओ, अब तो कोई पछतावा बाकी नहीं रहा? आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि मैं जिंदगी में कभी नहीं पछताई अपने फैसलों पर। दुखी तो हुई थी? थोड़े बहुत दुख तो हर एक के हिस्से में आते ही है ना। मेरी खातिर तुमने थोड़े बहुत नहीं, बहुत सारे दुख समेटे। आपके साथ मुझे कितनी खुशियां मिली उनका भी तो जिक्र कीजिए। इतनी खुशियां किसको मिलती है? अम्मी, अम्मी, अम्मी जल्दी आइए, जुबी खाला का फोन है। बहुत खराब है आप, आए क्यों नहीं? इट्स अ ब्यूटीफुल हाउस, बहुत बड़ा है, आप देखेंगे तो मर मिटेंगे, बल्कि इतना बड़ा कि डर लगता है कहीं खो ना जाए। नहीं नहीं नहीं, ये बात नहीं है, असल में आज पहला दिन है ना, इसलिए अपना अपना नहीं लग रहा। पार्टी तो बहुत अच्छी थी, बहुत सारे लोग आए हुए थे, फिल्म के भी काफी लोग थे। मेहरबानी, मुझे कोई शौक नहीं है लोगों से मिलने का। जी जी, नहीं नहीं, आई डोंट केयर। कपड़े? नहीं कपड़े बस कोई खास नहीं बनाए, बट ठीक ही हैं। फॉर गॉड सेक ज़ुबी खाला, कभी मेरी भी तारीफ कर लिया करें। सर उठाओ ना तार,
नहीं नहीं मैं आपसे नहीं कह रही, ईमान से इतने जबरदस्त कपड़े बनाए कि आप देखती तो मजा आ जाता आपको भी। क्या बात कर रही हैं? बिलीव मी आज पार्टी में पूरे 4 केक मैंने अपने हाथ से बेक किए हैं। नाउ डोंट बी सो मीन जी। अच्छा लीजिए अम्मी आ गए। हाँ वालेकुम सलाम। सूबी डार्लिंग तुमने वादा किया था, ये बहुत बुरी बात है, तुम आई क्यों नहीं? ओहो तुम्हें पता है तुम्हारे बगैर हम में से किसी को लुत्फ नहीं आता। अपी मैं शर्ती आ जाती, आपको तो मालूम है कि मुझे इस सैर तफरी का कितना शौक है। लेकिन हुआ यूं कि हमारे कॉलेज में स्टूडेंट वीक मनाया जा रहा है और मैं यूनियन की इंचार्ज हूं। बस यही खता काफी थी मेरे कैद तन्हाई की। अभी बस काम ढूंढते हुए मुझे चले आते, मैं क्या करूं? बड़े अफसोस की बात है, नुकसान तो मेरा हुआ है। सैरो तफरी मेरी मारी गई, शीश महल मैं आपका ना देख सकी, और जो इस मौके के लिए मैंने कपड़े बनाए थे ना उनमें भी फफूंदी लगेगी अब, और उल्टा आप डांट रही। आप फिक्र ना कीजिए, जो तूफान आज टल गया है ना वो जरूर आएगा। वैसे भी बहुत दिन हो गए मुझे मानव बाजार की चाट खाए, अनारकली की खाक छाने। तौबा तौबा, आधा खाते आधा फेंकते हैं और गिलासों में हाथ धोते हैं। मैं कहती हूँ बेटा आखिर लोग क्यों समझते हैं जैसे अल्लाह ना करे आखिरी खाना खा रहे हो जिंदगी का। बुरी बात है दीदी, वो हमारे मेहमान थे ऐसे नहीं कहते। मेहमान ऐसे होते देखो तो चंदा, चले आते पर फैलाए मुंह खोले में, आई दूर दफा टिड्डी दल की जात के मेहमान, देखो तो कितना नुकसान हुआ है, यहाँ से वहां तक फसल कटी पड़ी है। बस नियत नियत की बात है। शरीफ शरीफ जी, चलो उठाओ ये सारे बर्तन। इब्राहिम लिंकन के बाद तो हमारी बीवी ही पैदा हुई है, क्या घन गरज है तकरीर में। आज का मौजू है कौमी सरमाए का नुकसान। हाय कौमी सरमाए का नुकसान, अरे कभी तुम भी हाथ पांव हिला लिया करो, ये फालतू शाखें नहीं लगाई अल्लाह मियां ने दाएं बाएं। शरीफ शरीफ मसलामत से क्यों वाके ले जाएगा भाई? आ गया हुआ, उसने बर्तन उठा लिए, अब उससे कुछ नहीं उठेगा, अब तो वो अपने आप को उठा ले तो बहुत बड़ी बात है। तौबा तौबा, ऐसी नीयत तो मैंने किसी की नहीं देखी। आई पेट को कुआं समझ रखा उसने, डाले जाता डोल भर भर के। आने जाने में कोई 5-10 प्लेटें साफ करिए। तो तुम चुप रहो, कि अम्मी ने सुनिए तो खामखा उसकी जिंदगी हराम कर देंगी। अरे तो बेटा क्या झूठ है, मैं देख नहीं रही सुबह से। आज तू चल और मैं आया। कोई 2 दर्जन कोल्ड ड्रिंक्स की बोतलें खाली की है जालिम ने। तुम चुप करो शरीफ शरीफ। अरे रहने दो, तुम शरीफ शरीफ कर रही हो, इतना भी वो शरीफ नहीं है। अरे वो मेरी प्लेट भी ले गया। कौन सी प्लेट? जो मैं खा रही थी जब आनी का फोन आया था। तुम भी कोई सलामत से कम नहीं हो, 6 प्लेट हो तो मैंने तुम्हें देखा लेके जाते हुए। इतना झूठ तो मत बोलो। मत बोल क्या, अब बस करो जरा, बहुत रात हो गई है, बाकी काम सुबह हो जाएगा। हाँ बेटी थक गई होगी, और तुम थी कहाँ सारे वक्त? मैंने तलाश भी किया मगर तुम नजर नहीं आई। बस यही थी अब्बू, किसी कुर्सी कुर्सी के पीछे देखा होता ना आपने तब नजर आती है कोई नहीं। एक तो तुम्हारे शर्माने घबराने से मैं बहुत तंग हूँ जरा। काम में घबराती हूँ, सामने ही तो थी, कोई सामने मामले नहीं थी, सामने तो तुम आ ही नहीं सकती। 4 लोग आ जाते हैं तो उसका चेहरा लाल हो जाता है, 8 लोग आ जाए तो हवाएं उड़ने लगती हैं, और अगर उससे भी ज्यादा हो तो बस बेहोश हो जाओ तुम। वाकई पास वक्त मैं सोचती हूँ तुम्हारा कैसे गुजर होगा इस दौर में। अरे कर लेगी गुजर, आप फिक्र न करें, इसके बाप की भी अच्छी भली गुजर हो रही है। तो बाप भी पहले बहुत घबराता था लोगों से, चेहरा फक हो जाता था, अब देखिए लोग ही लोग हैं हर तरफ। असल में मुझे अबू डरवर नहीं लगता, लेकिन मुझे मजा भी नहीं आता मजमू में खामखा इतने सारे रंग बिरंगे लोगों का तमाशा देखो, कि बेकार लतीफों पर हंसते रहो, बातें करो उनसे बैठ के दिल चाहे ना चाहे, सख्त घबराहट होती है मुझे। दरअसल मैं बात सिर्फ इतनी है कि तुम हो एक वीराने का परिंदा, गलती से भटक के आ गई हो हमारे घर में। अम्मा जान सुनो, वो तो आया ही नहीं जिसका रिश्ता आया था तुम्हारे लिए। तुम्हें क्या मालूम कौन था वो, आया होगा। अरे मैं तुम्हारी तरह बुद्धू नहीं हूं, मैंने सारी इंक्वायरी कर ली है,
उसके अब्बा अम्मी आए हुए थे, बड़ी प्यार भरी नजरों से देख रहे थे तुम्हें। गप मारने का बहुत शौक है तुम्हें। 100% सच कह रही हूँ, तुम्हारे काम से बड़ा मुतासर हो रही थी। देख लेना, तुम्हारे जाते ही सारा किचन तुम्हारे हवाले करके बड़ी भी ऐश करेंगी। इतनी फजूल बातें करती हूँ ना कि हद नहीं। सुना लड़का बड़ा अच्छा है, जबरदस्त जॉब है, ये लंबी गाड़ी है, बंगला है वगैरह वगैरह। मुझे कतई कोई दिलचस्पी नहीं है, ना लंबी गाड़ी में, ना जबरदस्त जॉब में, ना बड़े सारे बंगले में। वैसे ही मैंने अभी शादी नहीं करनी, तुम मम्मी से कह देना। टेलीफोन ऑपरेटर लगी हुई तुम्हारी, जो कुछ कहना सुनना है खुद ही कहना। सुना लड़के की शक्ल बिल्कुल जूलियस सीजर से मिलती है। मेरी तरफ से लड़के की शक्ल चंगेज खान से मिलती है, मुझे उससे क्या। कमाल है, अभी तक तो मैंने इम्तिहान दिया नहीं है और घर में शादी की वबा फैल गई। तुम हद दर्जे की ना शुक्री हो जारा। पता है बीबी क्या कह रही थी कि खुशकिस्मत होती हैं वो लड़कियां जिनके लिए यूं टपा टप ओलो की तरह रिश्ते टपकने लगते हैं, जैसे जारा के लिए टपक रहे। मुझे नहीं चाहिए ये पटापट लड़के, अब सो जाओ तुम। नींद नहीं आ रही तो क्या करूं, और नींद भी कैसे आई, भूख जो इतनी लग रही है। भूख लग रही है अभी से, अभी इतना सारा बहुत तो तुमने खाया। ठीक से कब खाया मैंने। अच्छा मैं नीचे जा रही हूँ कुछ लेने के लिए, तुम्हारे लिए कुछ लाऊं। जी नहीं, मुझे तो तुम माफ करो और मेरी बात सुनो, तो तुम अपने ऊपर भी कुछ रहम कर लो। कितना लंबा सफर तय करके आज हम यहां तक पहुंचे। वाकई मैं समझता था ख्वाब कभी पूरे होते नहीं, पूरे होने के लिए होते ही नहीं, और अब मालूम हुआ कि कभी कभी हो भी जाते। वो चेक खटक और शर्मिंदा किसी थी मम्मी डैडी की तरफ से, वो जैसे आज मिट सी गई हो। समझ रहे हैं ना आप मेरी बात। बहुत अच्छी बात परी, जब मैं तुम्हें तुम्हारे घर से लेकर चला था तभी मैंने अपने दिल ही दिल में कसम खाई थी कि जैसे घर से तुम्हें निकाल कर लाया था उससे भी अच्छे घर में पहुंचाऊंगा। सो आज मैंने अपनी वो कसम पूरी की। लेकिन मैंने तो कभी कुछ नहीं कहा था। इतना मैं जानता हूं, औरत मोहब्बत के ख्वाब जरूर देखती है, मोहब्बत की खातिर कुर्बानियां भी दे सकती है, लेकिन अगर मोहब्बत उसे ख्वाबों का घर ना दे सके तो ये सब कुछ खत्म हो जाता है। हद करते हैं आप, मैंने आपसे कभी कुछ नहीं मांगा और ना मुझे कभी कुछ मांगने की जरूरत हुई। जब दो इंसान करीब आ जाते हैं तो लफ्जों के सहारे की जरूरत नहीं पड़ती, बात बगैर कहे भी सुनी जाती है, समझी जाती है। अच्छा बाबा अच्छा, मान लिया, अब आप सो जाए। सुबह शूटिंग पर भी तो जाना है आपको। बस करो सनिया, तोप का गोला हो जाओगी। ईमान से इतने मजे के कबाब है कि मैं कुछ भी हो जाऊं मुझे परवाह नहीं। लो तुम भी खाओ। शुक्रिया, मुझे कोई शौक नहीं आधी रात को खाने का। तभी तो इन लोगों ने तुम्हें पसंद किया, ना खाने पीने का खर्चा, ना घूमने फिरने का, ना कपड़े जेवर का। ईमान से बड़े चालाक लोग हैं ये। बहुत फजूल बातें करती हूँ भी, मैं भी पढ़ूंगी, मैं भी पढ़ूंगी, पढ़ चुकी। पता है वो बड़ी भी तुम्हें ऐसे देख रही थी जैसे बिल्ली कबूतर को देखती है, बिल्कुल झपट पड़ने का अंदाज था। देखो ज्यादा डराने की जरूरत नहीं है, तुम प्लीज कल अम्मी से बात करना और उनसे कहना कि खत्म करें ये किस्सा। वाह वाह वाह, कितने किस्से खत्म करूंगी मैं। पहले उस भोंगे से लड़के को भगाया जो कॉलेज तुम्हारे पीछे आए भरता था, फिर उस तुर्रम खां को भगाया जिन्होंने पत्नी तुम्हें कहां देख लिया। अब मेरा ही काम रहेगा कि तुम्हारे ऊपर से मक्खियां हिलाती रहूं। सॉरी। देखो प्लीज सिर्फ ये वाली मक्खी तुम हिला दो, बाकी की मैं खुद हिला लूंगी। ईमान से जारा अहमद, तुम तो पूरी जलेबी हो गई हो। वहां कहां चली। नींद नहीं आ रही मुझे बस। नींद को क्या तकलीफ हो गई। ना खूबसूरत लग रहा है यहां से, बादलों के साथ चांद ऐसे चल रहा है जैसे तैर रहा हो। ओह माय गॉड, ये चांद और बादल क्या बात है भाई। आज पार्टी में किस किस से मिली सच सच बता दो। चांद का पार्टी से क्या ताल्लुक, अजीब बातें करती हो तुम भी। चांद का पार्टी से इसलिए ताल्लुक है कि आज से पहले तुम कभी इस तरह खिड़की पर खड़े होके बेचारे चांद को देखा तक नहीं, बल्कि तुम्हें यह भी नहीं मालूम होगा कि इसकी शक्ल कैसी होती है, तिकोनी चकोर या जलेबी जैसी।
नौकरों ने पता नहीं घर के दरवाजे बंद भी किए कि नहीं। एक तो इस घर में दरवाजे बहुत है, एक तो तुम्हारे डरने मेरा नाक में बड़ा दम किया हुआ है, हर वक्त हर चीज से डरती रहती हो। कमरे का दरवाजा लॉक किया तुमने? यहाँ कौन तुम्हें पकड़ने आ रहा है? भाई आखिर चेक करने में क्या हर्ज है? अब खिड़कियां भी बंद करो, क्या पता कोई टाजन की तरह कूदता हुआ दरख्तों की शाखों से लटकता हुआ अंदर आ जाए। कहाँ जा रही हो? फ्रिज में रसमलाई भी पड़ी है, एक ले आती हूँ। अल्लाह की पनाह है सनिया, तबीयत खराब हो जाएगी तुम्हारी। कभी खाने से किसी की तबीयत खराब हुई है? क्या? चलो पानी पियो। बिल्कुल पागल हो तुम, दिन को लोगों से डरती हो, रात को ख्वाबों से। सनिया फिर वही ख्वाब देगा, हूबहू वही। कौन सा? वो बचपन वाला ख्वाब? हाँ। इतने अरसे बाद क्यों दिखाई दिए? नए घर की बात है, तुम घबरा रही थी, शायद इसीलिए डर गई। लेकिन ये सिर्फ मुझे क्यों दिखाई देता है? अब मैं कल रात इस ख्वाब से पूछ के तुम्हें बता दूंगी। तुम ऐसे करो, थोड़ी देर की सो जाओ और खुदा के वास्ते उस ख्वाब वाले जंगल में मत चली जाना। अगर जाना बहुत जरूरी हो तो किसी अच्छी जगह चली जाना। अभी मुझे तो तुम्हारा ये मोहल्ला बिल्कुल पसंद नहीं आया। क्यों बीबी? ये कोई मोहल्ला है? हाय मकान लिया होता किसी जीती जागती बस्ती में, लिया होता कोई इंसानों की बस्ती में, तोबा तोबा मेरे तो रोंटे खड़े हो जाते हैं, मेरी जान से दूर बुरे बुरे ख्याल आने लगते हैं मुझे। अरे नमाज के लिए खड़ी होती तो अपनी मकरत का ख्याल आने लगता है। तोबा अस्तगफार तोबा। हेलो, आज सुबह नमाज पढ़ के उठी, सोचा कि बाहर सैर करके आऊं।
अरे देखो मोहल्ला कैसा है, लोग कैसे हैं। मैं बाहर निकली तो जंगल बेराबान सन्नाटा पड़ा हुआ, आई ना आदम ना आदम जा, उल्लू भी नहीं बोल रहे थे। अरे बीबी सो रहे होंगे। भाई उल्लू सो रहे थे? नहीं बीबी, लोग सो रहे होंगे। पर मगर कब तक, आज शाम तक सोते हैं क्या? आई माशाल्लाह दिन चढ़े, हमारे घर में भी सवेरा होता है, मगर यहाँ दो बास तो फार बाहर निकली तो ऐसे लगा जैसे जंग का सायरन बज गया हो, लोग हंतकों में छुपे पड़े हैं। बीबी तो इतनी सुबह सुबह तुमको लोगों के घर जाने की जरूरत क्या थी? मैं फिर पूछ रही हूँ जरूरत क्या थी, कोई कर्जा थोड़ी लेने गई थी मैं। जो लोग देर से सोते हैं वो देर से जागते हैं। आए दूर दफा, आए फिटकार पड़ती है देर तक सोने पर। बीबी तुम अपने घर की भी तो खबर लो, जाओ जगाओ उन दोनों लड़कियों। हेलो, आए अब उन दोनों को जगाना भी कौन सा आसान काम है। सुनो समिया, प्लीज आज अम्मी से जरूर बात कर लेना। क्यों, मैं क्यों करूं? प्लीज प्लीज। नहीं कुछ नहीं, मेरे पास इतना फालतू वक्त नहीं है, और ना ही मैं किसी मोहल्ले कमेटी की सदर हूं कि आस पड़ोस के मसाइल हल करती रहूं। और हजार काम है मेरे पास, तुम खुद करो। मैं नहीं कर सकती ना। तुम कर क्या सकती हो वो मुझे बता दो। बस मैं कुछ नहीं कर सकती। खुश मान से जारा, मुझे तुम्हारा अंजाम बड़ा भयानक नजर आता है। मैं सोचती हूँ आखिर तुम्हारा बनेगा क्या। कुछ नहीं। तुम करोगी क्या जिंदगी में? कुछ भी नहीं करूंगी। अच्छा मुझे तौलिया देना जरा। ईमान से तुम्हारी जैसी निकम्मी लड़की मैंने सारे जमाने में नहीं देखी। मैं सोचती हूँ आखिर बनेगा क्या तुम्हारा। कुछ नहीं, और मुझे परवाह भी नहीं। परवाह मुझे करना पड़ेगी क्योंकि रोना मुझे पड़ेगा। अच्छा बको मत, मैंने कह दिया कि मैंने शादी वादी कुछ नहीं करनी अभी। कमाल की बात है, इतने कपड़े जेवर मिलते हैं, सलामी मिलती है, ठाट होते हैं, मुझे कोई कहे मैं तो फौरन कर लूं, लड़के की शक्ल तक ना देखूं क्या फर्क पड़ता है। हाँ पागल हो ना, इसलिए अहमियत बढ़ जाती है, लोग बिला वजह इंपॉर्टेंट समझने लगते हैं। जरा गौर करो कितने फायदे हैं, जो जी में आए करो, कोई पूछता ही नहीं है, और ना ये सुनने को मिलता है कि लोग क्या कहेंगे। अच्छा सनिया सुनो, देखो तुम्हें वो मेरे मोतियों वाले टॉप्स अच्छे लगते हैं ना, वो तुम ले लो, लेकिन प्लीज आज ही अम्मी से बात कर लेना। थैंक यू, वो तो मैं ले लूंगी, मगर मुझे लगता है कि हशर के रोज तुम्हारे अमाल के जवाब मुझे ही देना पड़ेंगे। तुम मुझे धकेल के लम्हे के सामने खड़ा कर दोगी, एंड दिस इज नॉट फेयर ज़ारा अहमद। तुम्हें कितनी बार कहा है आए तो कुर्सी पढ़ कर सोया करो। पढ़ती हूँ मम्मी, लेकिन कल रात ही गड़बड़ में भूल गई थी। तौबा तौबा, इतनी खौफनाक चीखे मारी कि मैं तो बस मरते मरते बची हूँ। बहुत अरसे से तो तुमने ये ख्वाब नहीं देखा था। नया घर देखने आया होगा, ख्वाब भी पता नहीं तुम्हारे दिमाग पर किस किस्म का खौफ तारी है। इसके दिल पे तो हर तरह का खौफ है, इम्तिहान का खौफ, ख्वाब का खौफ, लोगों का खौफ, जिंदगी का खौफ, शादी का खौफ। सनिया फजूल बातें नहीं करते। फजूल नहीं, सही कह रही हूँ मम्मी। अच्छा चलो नाश्ता करो। वो तो कर रही हूँ, लेकिन आपसे कहना था कि ज़ारा शादी नहीं करेगी। देखो तुम्हारा इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं है, इसलिए तुम्हें इस मामले में बोलने की बिल्कुल इजाजत नहीं है। तो अब ज़ारा से पूछ ले। मुझे ज़ारा से भी पूछने की जरूरत नहीं है, ज़ारा को अगर कुछ कहना होगा तो खुद कहेगी। जी जी कह चुकी उम्र भर। देखो मैंने तुम लोगों को बहुत आजादी दे रखी है, दोस्तों की तरह रखती हूँ, मगर इसका यह मतलब हरगिज नहीं है कि तुम लोग हर मामले में बोलने लगो, समझी? सलामत जी। बेगम साहब, साहब को नाश्ते के लिए भेजो। अच्छा मैं तुम पर पढ़कर दम कर दिया करूंगी, फिर तुम्हें डर नहीं लगे। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह, पूरी कौम जमा है। अच्छा, जरा बेटे जरा चाय बनाना, चाय के बगैर ना कुछ नजर आता है ना कुछ सुनाई देता है। थैंक यू डार्लिंग। सुनिए जरा, ने फिर वो ख्वाब देखा था। वो ख्वाब? जी कोई पुराना कोई बात नहीं बेटे, जागते में डरने से बेहतर है कि आदमी सोते में डरता रहे, कम से कम आंख खुलने का इम्कान तो रहता है। बाकी डर गई हो? जी सोते में डर गई मगर जो लोग जागते में डरते हैं उन्हें कम से कम सोते में नहीं डरना चाहिए।
बाजों की अकल नहीं होती, उनके बारे में क्या ख्याल है? हाँ सनिया, बुरी बात बड़ी बहन को कह रही हो। 2 साल तो बड़ी है, और बड़ी भी कैसे हुई, सारा काम तो मैं करती हूँ इसके लिए। सनिया फिर वही जी जी। अच्छा मैं अभी 15 मिनट में पहुंच रहा हूँ। अबू। यस बेटे। अबू आपसे एक बात करना है। हाँ फिर पैसों की जरूरत पड़ गई, उस दिन तो दिए थे। पैसों की बात किसने की? की हो या न की हो, मैं और पैसे हरगिज ना दूंगा। पैसों की बात ही नहीं है बिल्कुल। फिर कोई गड़बड़ की है क्या? अपनी अम्मी की कोई चीज तोड़ दी है? कुछ नहीं तोड़ा, बहुत जरूरी बात है। तुम्हारी हर जरूरी बात में कोई ना कोई सख्त गड़बड़ होती है। फिल्म देखने जाना है या पिकनिक पे जाना है तो अपनी अम्मी से बात करो। गॉड आप एक मेरी बात तो सुने। सुनने से कोई फायदा ही नहीं बेटी, मैंने अगर इजाजत दे भी दी तो तुम्हारी अम्मी रोक लेंगी। वो बात ही नहीं है। अच्छा तो फिर जल्दी से बताओ क्या बात है, मुझे फौरन स्टूडियो पहुंचना है, मेरा इंतजार हो रहा है। अब इतनी भी जल्दी मैं आपको नहीं बता सकती, मैं भी आपके साथ चलती हूँ, रास्ते में मुझे किताब लेनी, सब कुछ बता दूंगी। वो शादी नहीं करेगी, वो जो आ रहे हैं ना आप उन्हें मना कर दें। सारा ने तो शक्ल तक नहीं देखी उसकी, और फजूल में वो आदमी घर वाले पीछे पड़ गए, उसके साथ अम्मी को ही पसंद आ गए। बात सुनो, अव्वल तो ये मामला जारा का है, उसके बाद ये डिपार्टमेंट तुम्हारी अम्मी का। मैं तो इस मामले में बिल्कुल ही लाचार हूँ, तुमसे भी ज्यादा। तुम समझ रही हो मेरी पोजीशन? अबू आप इस तरह नहीं कर सकते, कुछ तो ज़ारा का ख्याल कीजिए। वैसे बेटे ये जो रिश्ते की बात है, अभी बात ही है, तुम लोग क्यों खामखा इतना परेशान होती हो? मुझे अम्मी के तेवर ठीक नहीं लग रहे, वो बात ही बात है, बात तय कर देंगी, देख लीजिएगा। तो फिर जारा से कहो अपनी अम्मी से मना कर दे। जारा ने उम्र भर किसी को किसी बात से मना किया, जो अब करेगी वो भी अम्मी को? मगर कभी ना कभी तो उसे बोलना पड़ेगा, उससे कहो अभी से शुरू कर दे, अच्छा होगा उसके लिए। आई काश मैं भी इतनी मशहूर होती, मेरे भी इतने फैंस होते ना, सारी उम्र खड़ी रहती। वाओ अबू यू आर रियली ग्रेट, सो पॉपुलर एंड फेमस, कितने लकी हैं आप। उफो तुम चैन से एक जगह बैठते क्यों नहीं हो? चुप करो। पर ये क्या तरीका है सोचने का, लगता कोई लगड़ बगड़ दौड़ते हुए सोच रहा हूं। बड़े अफसोस की बात है, एक तो तुम्हारे लिए इतनी तकलीफें उठा रही, उल्टा तुम ही मजाक उड़ा रही हो। तुम्हारे साथ तो नेकी करना भी हिमाकत है पागलपन है। सुबह से सोचते सोचते रात के 8 बज गए। 8 बज गए? तो 8 बज गए। अबू का इंटरव्यू, अम्मी। आज आपके सामने फिल्मी दुनिया का जो रोशन सितारा आ रहा है वो किसी तारुफ का मोहताज नहीं। राहिल अहमद का शुमार उन लोगों में होता है जिन्हें तारुफ के लिए लफ्जों की जरूरत नहीं होती। 15 साल के मुख्तसर अरसे में इन्होंने 60 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है, और हर फिल्म में इनकी मौजूदगी ही कामयाबी की जमानत होती है। राहिल अहमद ने हंसते मुस्कुराते किरदार अदा किए, ऐसे किरदार जो जीने की उमंग, हालात से मुकाबला करने का हौसला और मुस्कुराने का सलीका देते हैं। हम सब इनके इंतहाई एहसान मंद हैं। ये बताइए कि फिल्मों में तो आप लोगों को इंतहा खुश व खुर्रम रखते हैं, क्या जिंदगी में भी आपका यही मुस्बत रवैया है? बात यह है बीबी के जिंदगी को देखने के लिए लोग 2 शीशों वाली ऐनक इस्तेमाल करते हैं, जिसके एक हिस्से से जिंदगी रोशन नजर आती है और दूसरे से तारीख। मैंने किया यह है कि
उसके आधे शीशे रंगीन कर लिए हैं ताकि तारीख रुख नजर ही ना आए। राहिल साहब, आप तारीख रुख क्यों नहीं देखना चाहते? मेरी बिनाई जरा कमजोर है, मुझे सिर्फ रोशनी नजर आती है, अंधेरे नजर नहीं आते। आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। नहीं दिया? मैं समझा दे दिया। तो उसकी वजाहत करूं मैं आपको कि अंधेरों की तरफ देखते रहने से नजरों में अंधेरा बढ़ता जाता है और रोशनी की तरफ देखने से उजाला बढ़ता है। आप जाती जिंदगी में भी इतने खुशोखरम रहते हैं जितने के फिल्मों में नजर आते हैं। जी हाँ, हुआ ये कि जाती जिंदगी में खुशोखरम रहते रहते कुछ आदत सी पड़ गई है, इसलिए इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकता, ये मेरी मजबूरी है। रोने की कोशिश करूं तो लोग हंसने लगते हैं। आपको इतनी जल्दी बेअंदाजा शोहरत मिली है, इसने आपको मगरूर तो नहीं बनाया? शोहरत बड़ी अजीब चीज होती है, ये उस दरिया की तरह होती है जनाब, भारी चीजों को अपने अंदर समो लेता है। और मुझे आपका मैसेज मिल गया, मैंने फोन भी किया था लेकिन आप मिले नहीं। आपका क्या ख्याल है जी? मालूम हंसते रहने से या खुश रहने से बड़ा मजबूर था, दुनिया की तकलीफ और मसाइल कोई डेट नहीं दे सकता। बिल्कुल देखे ना, सॉरी, जो लोग मुस्कुराते रहते हैं खुदा उनके मुकद्दर में हंसी की मकदार बढ़ाता रहता है, और जो हंसना नहीं जानते उनके हिस्से की हंसी कम होती जाती है। अच्छा ये बताइए कि आपने अब तक कितनी फिल्मों में काम किया है? तकरीबन 60 फिल्मों में, और इत्तेफाक से सबके सब कामयाब रहे। वजह यह है कि कोई 10 साल बाद इस बार मैं 1 महीना रेस्ट करना चाहता हूं, और इसे मैं किसी कीमत पर गंवाना नहीं चाहता। यकीन कीजिए थक गया हूं भाई काम करते करते, कई साल से बीवी बच्चों के लिए वक्त नहीं मिलता। सलामत, तुझे कब अकल आएगी? 1000 बार तुझसे मैंने कहा है कि फोन पर अपनी मर्जी से कुछ मत कहा कर। बेगम साहबा, मैंने अपनी मर्जी कब बताया? बीवी ने कहा था कि साहब जल्दी आएंगे घर। क्या कहा? क्या कहा? अरे मुझ पर इल्जाम लगा रहा है? देख लो बीबी, आज इसके दिमाग में मटर के दाने के बराबर अकल नहीं, और चला मुझ पे इल्जाम लगाने। रहने दो बीबी, हमको भी तोप के गोले जैसे मगज की जरूरत नहीं है, दिन रात चलता रहता है फजूल बेफजूल। क्या किसको कह रहा है? काले चोर को कह रहा हूँ, तुमको क्या? देख लो और मुझे तू कड़ा चोट मैं ध्यान से मार दूंगी। बीबी क्यों उसके मुंह लगती हो? सलामत के बच्चे क्यों बकवास करता है बड़ों से? चलो निकलो ऐसे। बेगम साहबा, बीबी खफा थोड़ी होती है मेरी बातों पे, बल्कि खुश होती हैं, और जब कभी नहीं बोलता हूँ ना खुद पूछने आ जाती हैं, क्या हो गया तुझे आज, बकवास क्यों नहीं कर रहा तू? आज बकवास क्यों नहीं कर रहा तू? आज तुझे पूछती है, मेरी जूती गीली करके तेरे सर में मारूंगी कमाहर। बेगम साहबा, मेरी वजह से इनकी 6 जूते का खर्चा और मेरी हजामत का कोई खर्च ही नहीं। आए तेरे तो खानदान से खर्चा निकलवाऊंगी मैं, हजामत का। अम्मी हम लोग जरा बाहर जा रहे हैं फौजिया के घर, अभी आ जाएंगे, गाड़ी से जा रहे हैं। आपको गाड़ी की जरूरत तो नहीं है? नहीं जरूरत तो नहीं है, ले जाओ। लेकिन तुम लोगों क्या काम है? बस ऐसे अभी आ जाएंगे। ओके, खुदा हाफिज़। जाओ, खुदा हाफिज़। सनिया, मैंने कह दिया कि मैं बस बिल्कुल हरगिज़ ऊपर नहीं जाऊंगी, खुदा के वास्ते ज़ियारत में कोई खा तो नहीं जाएगा वहाँ? खाए ना खाए मैंने नहीं जाना। अच्छा बाबा नहीं लेके जाती, माफ करो, और जरा आईने अपनी हवनक सी शक्ल तो देखो, हद है। अच्छा तुम बैठो, मैं 5 मिनट में आई। आप साजिद साहब है ना? जी। लतीफ मिर्ज़ालम की बेटी? जी। मैं राहील अहमद, मशहूर फिल्म स्टार की बेटी। ओह, छोटी बेटी। तशरीफ रखे। इसकी कोई जरूरत नहीं, जैसे आपसे बहुत जरूरी बात करनी। जी फरमाइए। आप वही है ना साजिद? मैं समझ आप किसी और तरह के होंगे। और तरह के? खैर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कैसे भी हो। आपसे ये कहना है कि ज़ारा जो है ना मेरी बड़ी बहन, जिसके लिए आपने प्रपोजल भेजा था, उसने शादी से मना कर दिया। जी। साफ इनकार कर दिया उसने, आप भी मना कर दें। मैं समझा नहीं कुछ। इसमें समझने वाली कोई बात ही नहीं है, सिर्फ इतनी सी बात है कि ज़ारा आपसे शादी नहीं करना चाहती। आप यही कहने आई थी? जी हाँ, बड़ी मुश्किल से। मेरा मतलब है कि उसका शादी का भी कोई इरादा ही नहीं है। इसका ये मतलब नहीं कि आप बुरे आदमी हैं, अच्छे खासे, लेकिन उसे पसंद नहीं तो क्या करें। इसे बिल्कुल सियाबट भी नहीं है जैसे हमारा सलामत, और रंग भी ठीक ही है, आंख नाक भी बस ठीक ही है। शुक्रिया। नहीं नहीं मैं सच कह रही हूँ, बाज लड़कियां तो इतनी बेवकूफ होती हैं कि आपसे भी बदतर लोगों से बिला तकल्लुफ शादी कर लेती हैं।
पर आप तो अमीर होंगे, लेकिन वो तैयार नहीं, वो तैयार ही नहीं है बिल्कुल। इतला देने के बाद बहुत शुक्रिया। तो इनकार कर देंगे ना आप? मुझे पता था आप मान जाएंगे, तभी तो मैंने जारा से कहा था सिर्फ 5 मिनट की बात है। वो खामखा घबरा रही थी, बड़ी डरपोक है। लगता था नहीं। आप उसे नहीं जानते, मैं जानती हूँ। अच्छा तो मैं जाऊं? आपकी मर्जी है। इनकार तो कर देंगे ना आप? जैसा आप कहें, लिख कर दे दूं या जबानी कह दूं? लिखने लिखने कोई जरूरत नहीं है, बस आप ऐसे करें मारी मम्मी को फोन करके मना कर दें। क्या कहूं? कुछ भी कह दे, बस मना कर दें। कह दे लड़की मुझे पसंद नहीं है, फजूल सी है बिल्कुल। मगर इनकार अपनी तरफ से करिएगा, कभी मेरा नाम मत लीजिएगा वरना शामत आ जाएगी मेरी। अच्छा थैंक यू। वैसे आप ठीक ठाक आदमी है, मेरा मतलब कोई खास बुरे नहीं। अच्छा खुदा हाफिज। बस कोई 8-10 दिन का काम और बाकी है, तब तक तुम ऐसा करो कि अपनी तैयारी कर डालो, मैं इस महीने के आखिर तक निकल जाएंगे। जब तक आपको पूरी तरह फुर्सत नहीं हो जाती ना, जब तक हम तैयारी नहीं करें। अरे भाई कभी कभार तो यकीन कर दिया करो। कोई फायदा नहीं, बहुत करके देख लिया। अब कि अगर मैं कुछ करूं ना तो जो चोर की सजा वो मेरी। अरे तुम दोनों इतनी चुप चुप क्यों है? भाई तुम्हें भी ले जाएंगे, अगली दफा सारा यूरोप घुमा देंगे। इस मरतबा तो इम्तिहान अटक गया है ना। देखो तुम लोग अगर बहुत परेशान हो रही हो तो हम रुक जाते हैं कुछ दिन। नहीं वैसे ही मेरे इम्तिहान अब अगले महीने ही है और अब्बू की छुट्टियां खाम खा बेकार में जाएंगी, आप रुक जाए। अरे तो इतनी चुप क्यों हो, बोर हो रही हो? नहीं बोर क्यों होते? देखो सलमा फूफो भी आ जाएगी, उनकी बेटियां होंगी, और भी हमने सबसे कह दिया है सब लोग तुम्हारा ख्याल रखेंगे। वो वाली फूफो वो तो बहुत डांटती है। बुरी बात है सनिया, बहुत बुरी बात है। नहीं अम्मी हम रह लेंगे, तुम्हारे पे तो किसी बात का असर ही नहीं होता। देखो तुम दोनों के रिजल्ट आ गए, फिर तुम्हारे अब्बू ने क्या क्या प्रोग्राम बना रखे हैं, सुनोगी तो दंग रह जाओगी। बताएं जल्दी बताएं ना। हाँ भाई मैंने सोचा है कि जारा को इतना शौक है, इतना टैलेंट है उसमें, तो इसे पेरिस के स्कूल ऑफ आर्ट्स में दाखला दिलवाऊंगा। पेरिस में? जनाब पेरिस में, जरा गौर कीजिए कहाँ आप और कहाँ पेरिस। क्यों पेरिस में ऐसी क्या खास बात है? लेकिन क्या मैं वहां पे फिर अकेली जाऊंगी? जी नहीं, पूरा मोहल्ला जाएगा वहां तुम्हारे साथ। बेगम साहब आपका फोन। नहीं देखो बेटे जा रहा है, वहां डरने की कोई जरूरत नहीं है, शानदार से हॉस्टल में रखूंगा अपनी बेटी को। हाँ थर्ड से पढ़ना, फिर वहां अंकल अशफाक भी तो है एम्बेसी में, चाहो तो उनके घर जाकर ठहर जाना, फ्लैग वाली गाड़ी में घूमती फिरना। खुदा की कसम कोई आज मुझसे कहे तो सब कुछ छोड़ छाड़ कर एक मिनट में चल दूं मैं। जी 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 तो बात नहीं है। खुश नहीं हुई कोई? नहीं मैं तो बहुत खुश हूँ अब्बू, बहुत खुश हूँ। अच्छा जी तो फिर घबरा क्यों रही हो? घबरा रही? नहीं मैं घबरा तो नहीं रही, खुशी के मारे ऐसे हो रहा है अब्बू जी। अच्छा हाँ। खुशी क्यों? और तुम्हारे लिए मैंने सोचा है कि तुम लंदन में पढ़ोगी। रियली अब्बू यू सो स्वीट। तुम तो मेरी 30 मार खान बेटी हो, सारे लंदन को सर पर उठा लोगी। जी मैं कह चुकी। कुछ परेशान हो तुम लोग? कुछ ज्यादा परेशान हो तो हम अपना प्रोग्राम बदल देते हैं। नहीं जाते नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हारे साथ ही चलेंगे। नहीं बिल्कुल नहीं। फिर क्या बात है? कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं। सनिया नहीं अबू बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है ठीक मैंने तुम्हें पहले मना किया था मगर तुम मेरी सुनती कब हो? एक तो तुम्हारे लिए किया था सब कुछ, उल्टा तुम ही डांट रही हो मुझे, हद है। मेरे लिए किया था? बुला रही हैं। तुम्हें बुला रही होंगी, तुम दोनों को बुला रही हैं। मुझे बुला रही है क्यों? सनिया उनको शर्तियां पता चल गया। पढ़ने वाले कमरे में है,
बहुत गुस्से में है। बहुत गुस्से में है, लाभ क्या होगा, मरवा दिया ना। मैंने क्या किया, मैंने क्या किया, आई एम रियली शॉक्ड। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम इस कदर अहमक लड़की हो। तो जलील ने बता दिया आपको सब कुछ, उसकी शक्ल से ही लग रहा था ऐसा ही होगा, फजूल सा। सनिया, लेकिन उसने मुझे प्रॉमिस किया था। आउच, यू शुड बी अशेम्ड। बहरा, साजिद का फोन आया था, उसने इरादा बदल दिया है अपना। ईमान से? हाउ स्वीट। वो कह रहा था कि जारा अगर तैयार नहीं है तो ना सही, अब उसे सनिया अहमद पसंद आ गई और बहुत जल्दी उसके डैडी तुम्हारे अब्बू से बात करने के लिए आने वाले। Oh, please!